आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नए साल का ग्रुप पोस्टर बनाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह का हम एक ग्रुप पोस्टर बनाएंगे पिक्सल लैब ऐप से दोस्तों। साथ में आपको PLP फाइल भी मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेनी है। और दोस्तों इसको पोस्टर को कैसे बनाना है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब ऐप दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस न्यू टेक्स्ट को आपको हटा लेना है एक बार के लिए। इसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना। फिर इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है अपने पिक्सल लैब में और इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेना है, कुछ इस तरह से। लेयर वाले ऑप्शन पर जाके आपको लॉक कर लेना है। दोबारा से प्लस पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। आपको कुछ इस तरह की PNG मिल जाएंगी, ये आपको सेट कर लेनी है यहाँ पे। और रिलेटिव साइज पर जाके इसको सही से सेट कर लेना है 100 पे, और लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको प्लस पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह की स्लोगन PNG आपको सेट कर लेनी है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, और लेयर पर जाके लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नए वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा वाली आपको PNG यहाँ पर ऐड कर लेनी है। टेक्स्ट PNG उसको कैसे ऐड करेंगे, प्लस पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से सेम वही प्रोसेस हम रखेंगे। इसको भी हम ऐसे सेट कर लेंगे, रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेंगे, लेयर पर जाके इसे लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको प्लस पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो अपने दोस्तों की फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको नेम प्लेट ऐड करना, कुछ इस तरह का आपको नेम प्लेट मिल जाएगा, और रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेना है। यहाँ पर इसको सेट कर लेना कुछ इस तरह से, और इस नेम प्लेट के ऊपर अपने दोस्तों की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, इसको हटा के भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। इसके बाद आपको एक बड़ी अपनी बड़ी फ़ोटो ऐड करनी है यहाँ पे। तो कैसे सेट करेंगे, प्लस पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, गैलरी से अपनी एक बड़ी फ़ोटो हम ले लेंगे, कुछ इस तरह से इसे सेट कर लेंगे बड़ी फ़ोटो को दोस्तों, और लेयर पर जाके इसे लॉक कर लेंगे। अब आपको नाम लिखने के लिए आपको नेम प्लेट PNG ऐड करनी है। तो नेम प्लेट PNG को ऐड करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह का आपको शुभेच्छक वाला जो नेम प्लेट है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको सेट करके गोटो बैक पर क्लिक कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेट कर लेना है और लेयर पर जाके लॉक कर लेना है यहाँ पर सभी को। और यहाँ पर अपना जो भी नाम है वो आपको नाम टाइप कर लेना है, वो शेयर पर चले जाना है, और फिर आपको डिफ़ॉल्ट कस्टम मिलेगा उस पर जाना है, अल्ट्रा पर जाना है, और सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक कर लेना। अपना पोस्टर गैलरी में दोस्तों सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस बैनर की PLP फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। दोस्तों मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको सर्च बार पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना PritamHelp.com। दोस्तों ये वाली वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है। ये वाली वेबसाइट सर्च करने के बाद दोस्तों अपनी साइट दोस्तों ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा वेट लगी, और कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट दोस्तों ओपन हो जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अपनी साइट थोड़ा सा वेट लगी दोस्तों, थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। कुछ इस तरह से दोस्तों अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर लेना, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेना पोस्टर 138 दोस्तों, ठीक है, पोस्टर 138 आपको सर्च कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला मैं दोस्तों यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। पोस्टर 138 सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं नव वर्ष की शुभेच्छा वाला जो हैप्पी न्यू ईयर ग्रुप पोस्टर, इस पर आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। इस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने कुछ आर्टिकल ओपन हो जाएगा। हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे चले जाना, कुछ इस तरह से नीचे जाओगे तो आपको एक बटन मिल जाएगा PLP फाइल डाउनलोड वाला, जो कि देख सकते हैं ये वाला। इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों नई टैब ओपन हो जाएगी क्रोम वाली। इस क्रोम पर आपको क्लिक कर लेना है। क्रोम पर क्लिक करोगे तो अपनी ड्राइव फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको PLP फाइल कैसे डाउनलोड करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ये ओपन हो जाती है लिंक, कुछ इस तरह से अपने ड्राइव फाइल की लिंक ओपन होगी दोस्तों। फिर आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जो कि आप देख सकते हैं डाउनलोड वाले पर। इस बटन पर क्लिक करके आपको PLP फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों कोई भी पासवर्ड नहीं है PLP फाइल पर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको यूज़ कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।